हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए मैं कहाँ पे हूँ, आइडिया आप लोगों ने लगा ही लिया होगा। मैं हूँ एक स्टूडियो में। एक्चुअली मेरी फ्रेंड को कुछ फ़ोटोज़ का फ्रेम बनवाना था तो इसलिए आई थी। तो उसके बाद डायरेक्ट चली गई थी विशाल में, विशाल शॉपिंग मॉल, विशाल मेगा मार्ट में चली गई थी। तो यहाँ के सारे खाने की चीज़ों का काउंटर है। ये मेरी फ्रेंड वगैरह यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें ले रही है और साथ में कुछ मतलब किचन की डिनर सेट वगैरह भी देख रही है, देख सकते हो। बट मुझे ये सब नहीं लेना था, मुझे कुछ चॉकलेट वगैरह लेनी थी और कुछ डिस्काउंट में कुछ मिल जाए तो वो ले लूँगी। और ये हूँ मैं कि कुछ बात कर रही थी इन लोगों से शायद, तो ऐसे ही घूम फिर रही थी। फिर पैर थक गए थे, बैठने के लिए गई स्टूल पे और ऐसे धड़ाम से गिरी ना। आप लोग देख सकते हो वो स्टूल ना टूटा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो वो स्टूल टूटा हुआ है। तो स्टूल से मैं ना एकदम से धड़ाम करके गिर गई। थोड़ा सा वो हाथ में लगी भी है मुझे। फिर और कपड़े वगैरह के काउंटर में भी आ गई हूँ। मैंने तो चॉकलेट वगैरह कुछ ले लिया, मुझे अपना सामान मिल गया है। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड कुछ कपड़ों का ट्राई कर रही थी और यहाँ पे मैं हूँ। कैमरे आईने पे देख सकते हो, ग्लास पे, ये चेंजिंग रूम है और देख रही थी कुछ कपड़े वगैरह। तो गाइस बताएगा आप लोग कैसे हो, मैं तो ठीक ही हूँ। तो मैंने इतना सब ले लिया है, चॉकलेट के 2 पैकेट ले लिए हैं और डिस्काउंट में मिल गया था अचार के बड़े डब्बे 99 में, वो ले लिया है। और उसके बाद आज हमने कल ही प्लानिंग की थी कि ये देखिए अंडा खा रहा है दोनों, कि स्कूल के बाद से हम घर नहीं जाएंगे, मैं अपने फ्रेंड के घर चली आऊँगी क्योंकि आर्ट क्लासेस इसके घर के ही पास में ही है ना। तो आर्ट स्कूल यहीं से चली जाऊँगी, मैं घर नहीं आऊँगी। तो ये खाने पे बना रही है चिकन, टेस्टी वाला चिकन बना रही है, देख सकते हो अभी चिकन भुन रही है ये। और उसके बाद खा पी के हम निकल जाएंगे आर्ट क्लासेस के लिए। एक्चुअली आजकल आर्ट क्लासेस बहुत दूर हो गए हैं ना, और ये यहाँ पे दाल बना रही है, दूर हो गई है ना, तो मुझे प्रॉब्लम होती है घर से आने में। और एक बार अगर घर में चली जाऊँ ना तो इतनी दूर आर्ट क्लासेस में आने का मन नहीं करता। तो आर्ट क्लासेस का कुछ होमवर्क वगैरह था, हार्दिक वो सब कंप्लीट कर रहा है। मतलब एक कप्स बनाने के लिए दिए थे तो मैडम वगैरह ने, तो ये हार्दिक की फ्रेंड यहाँ पे बैठ के मोबाइल देख रही है, देख सकते हो। स्कूल से आने के बाद बच्चे थक जाते हैं ना, तो इसीलिए वो थोड़ा सा आराम कर रहे दोनों। और यहाँ पे चिकन भी बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ग्रेवी करेंगे। और हार्दिक ने ये कप बनाया है, देख सकते हो, एक बार भी इरेज वगैरह किए नहीं है उसने, बहुत अच्छी तरीके से बना दिया है। और उसके बाद सारे कलर्स को एक तरफ रख के डाल दिया बिस्तर पे और अभी कप्स को कलर करेंगे। और अभी शायद 3:30 बजे होंगे और हमने आज खाना खाया भी नहीं, लेट हो गया खाते खाते। तो खाना खा के फिर निकल चलूँगी क्लास के लिए, आर्ट क्लासेस के लिए निकल चलूँगी खाना खा पी के फिर। और ये है हार्दिक, देख सकते हैं। और यहाँ पे टीवी वगैरह लगा हुआ है, वो आर्ट भी कर रहा है, ड्राइंग भी कर रहा है और टीवी भी देख रहा है, देख सकते हैं। और पास में मैं भी हूँ। और फाइनली हमारा खाना रेडी हो गया, ये बच्चे खा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा चावल दे दिए ना उसने, तो मैंने बोला है कि इतना ज़्यादा चावल नहीं चाहिए, थोड़ा सा मैंने कम करके लाए चावल। तो हम चारों यहाँ पे बैठ गए हैं खाने के लिए। और अचार का जो पैकेट था ना वो मस्त था। फिर हम निकल चले हैं आर्ट क्लासेस के लिए। देख सकते हो हार्दिक आज एकदम से हैंडसम लग रहा है, आर्ट क्लासेस के लिए निकल चले हैं। इसके घर के पास में ही है, बट मैं अगर आऊँ ना मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूरी पड़ जाता है,
30 रुपए तो लग ही जाते हैं, हाँ टेम्पू या टोटो से आऊँ तो भी। तो मैम के घर में पहुंच गई हूँ, ये पास में ही है, इसके घर के पास में ही है बट मेरे घर से दूर है। तो दोनों बच्चे पहुंच गए हैं आर्ट क्लासेस में, देख सकते हो आजकल मैम के घर में होता है ना क्लासेस, और आगे आगे मैम भी जा रही है। तो यहाँ तक से आगे आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। फिर ये मैम के घर में हम सब बैठ गए हैं, यही मतलब पहले जो स्कूल में रहता था ना, तो स्कूल में गप्पे लड़ाती थी, अब मैम के घर में। फिर ना क्या हुआ, मैं फ्रेंड के घर में आर्ट क्लासेस ख़त्म होने के बाद चली आई थी, फिर उन लोगों को कुछ शॉप में शॉपिंग करनी थी तो वहाँ पे आ गई थी मैं भी, क्योंकि हबी आने वाले थे रात को 9 बजे, 8:30 बजे 9 बजे के, तो इसलिए फ्रेंड के घर में ही चली आई थी। और ये देखिए हम टमटम से टोटो से जा रहे हैं घर में, घर के लिए खाना पीना मतलब शॉपिंग वगैरह हो गई थी, और आते वक्त पेस्ट्री वगैरह लेके आई थी, तो दोनों यहाँ पे बैठ के पेस्ट्री खा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में।